दोस्तों, किसी भी सामान की पैकिंग के पीछे QR कोड और बार कोड तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तकनीक कैसे काम करती है? दोस्तों, इस वीडियो में हम बार कोड और QR कोड के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बार कोड के बारे में बात करते हैं। बार कोड में 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती है। इन संख्याओं का प्रतिनिधित्व 7 काली सफेद पट्टियां करती है। हर संख्या के हिसाब से इसका पैटर्न अलग अलग होता है। बार कोड की शुरुआती 5 संख्याएं निर्माता कंपनी की ID संख्या होती है और अगली 5 में उत्पाद की संख्या होती है। साल 1974 में सबसे पहले च्युइंगम के एक पैक में बार कोड का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, बार कोड की हर रेखा में अलग अलग संख्या होती है। 1 से 9 के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। इसमें कुछ सफ़ेद तो कुछ काली होती है। दोस्तों, बार कोड के जरिए किसी भी सामान की कीमत, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, वजन जैसी जानकारियां पता चलती है। हालांकि इसमें QR के मुकाबले कम ही संख्या जो है जानकारी की जो स्टोर की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि QR कोड क्या होता है। दोस्तों, QR कोड का इस्तेमाल सबसे पहले जापान की कंपनियों द्वारा किया जाने लगा था। इसमें QR का जो मतलब होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। इस कोड को तेजी से रीड करने के लिए बनाया गया है। यह बार कोड का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। बार कोड में कटने फटने की परेशानी से बचने के लिए ही जो है QR कोड का निर्माण किया गया। QR कोड का खास तरह की जानकारी को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर ये दोनों बार कोड और QR कोड की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।